फिर वो बुराइयों शुरू करता है, फिर वो दूसरों की गीबत में मुब्तला हो जाता है। तो ये रूहानी बीमारियां एकदम से छूटने वाली नहीं है। किसी माहिर तबीब, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी शेख कामिल के पास इसका इलाज करवाना जरूरी है। वो उसको छोड़ने के तरीके बताएंगे कि ये बीमारी कैसे दूर होगी, उसका इलाज वो बताएंगे। अब तो रोजाना गीबत करते हैं, बुराइयां करते हैं, जिंदगी में कोई फर्क महसूस नहीं होता, सोचते भी है कि ये बीमारी छूट जाए, लेकिन फिर उसमें मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि इलाज पूरी तरह से नहीं हो। एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनके बारे में लिखा है कि एक शख्स ने उनसे जाकर बताया कि हजरत फलां आदमी आपकी बुराई बयान करता है, वो आपकी पीठ पीछे आपकी गीबत करता है। अब वो अल्लाह वाले खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया। हम तो फौरन तेश में आ जाते हैं, अगर कोई हमसे कहे कि फलां आदमी तुम्हारी बुराई करता है तो फिर आस्तीन चढ़ा लेते हैं, उससे हाथापाई पर आ जाते हैं, उसके साथ लड़ने झगड़ने के लिए आमदा हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान बड़ी ऊंची और निराली होती है। बुजुर्ग ने जबान से कोई जवाब नहीं दिया, खामोश है, और फिर जिनके बारे में बताया था कि फुलां साहब आपकी बुराई करते हैं, फुलां आपकी जीत पीछे गीबत करते हैं, उनके घर एक बड़ा खांचा भेजा, उसमें किस्मा किस्म की नेमतें, हदीये, तोहफे उनके लिए भेजे। हम तो बुराई करने वालों के साथ झगड़ने के लिए तैयार, और ये अल्लाह वाले की अजीब शान है, वो उनके घर पे हदीये भेज रहे। पूछा के हजरत ये क्या मामला है, ये तो आपका दुश्मन है, आपके पीछे बुराई करता है, आपकी पीठ पीछे गीबत करता है, और आप उसको हदीये तोहफे दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस अल्लाह वाले ने कहा बुजुर्ग ने कि असल में ये मेरा खैरखा है, ये आदमी मेरा मोहसिन है। क्यों? इसलिए कि जब ये मेरी गीबत करेगा, जब ये मेरी बुराई करेगा, तो वो अपनी प्योर नेकी, खालिस नेकी, चौकी प्योर नेकी वो मुझे दे रहा है, और मेरे नामे आमाल से मेरे गुनाहों को धो रहा है। जब कोई बंदा मुफ्त में अपनी नेकी मुझे दे रहा है तो जाहिर है वो मेरा मौसिक हो, वो मेरा खैरखा हो। जब वो मुझ पर एहसान कर सकता है, अपनी नेकियां मुझे दे रहा है, मैं भी थोड़ा सा एहसान कर दूं, उसको कुछ हदीये तोहफे दे दूं। तो अगर कोई गीबत करे, कोई बुराई करे, डरने की जरूरत नहीं है, हमारा तो फायदा है, हमें तो वो नेकियां दे रहा है और हमारे गुनाह वो धो रहा है। ये मौजूदा दौर जिससे हम गुजरते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि गीबत किसे कहते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई पीठ पीछे बुराई किसको कहते हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद हम लोग इस बीमारी में मुब्तला है। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी कि बताओ मुफलिस कौन है, मुफलिस कौन है। साहबा इकराम ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, जिसके पास पैसे ना हो, जिसके पास माल हो, दौलत ना हो, वो मुफलिस है, उसे हम गरीब कहते हैं, मुफलिस कहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हकीकी मुफलिस इसे नहीं कहेंगे,
मुफ्लिस हकीकत में कौन है? तो फरमाया कि कयामत के दिन एक शख्स आएगा, बहुत सारी नमाजें लेकर आएगा, इबादतों का ढेर लगा होगा, नेकियों का उसके पास। फरमाया कि कयामत के दिन एक शख्स आएगा जिसके पास नेकियों का अंबार ढेर लगा होगा, उसके नामे अमाल में बहुत सी नमाजें होगी, बहुत से रोजे भी होंगे, बहुत से जिक्र अज़कार और तस्बीहात होगी, बहुत नेकियां लेकर आएगा। लेकिन फरमाते हैं कि दूसरी तरफ लोगों के हुकूक भी मारे होंगे, लोगों के हुकूक दबाए होंगे। आने वाला कहेगा कि अल्लाह इस शख्स ने मेरा फुला हक मारा है, दूसरा आकर कहेगा कि अल्लाह इसने फुला हक दबाया है, तीसरा कहेगा कि मेरा फुला हक इसने जाय किया है। नेकियां बहुत है, ढेर लगा हुआ है, नमाजें खूब पढ़ी है, रोजे भी फर्ज रोजों के अलावा नफली रोजे भी खूब रखे, जिक्र अज़कार तस्बीहात सदकात खैरात सारी नेकियां लेकर आए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के हुकूक ज़ाय किए। हक दबाने का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि किसी का माल खा ले, ये तो हक दबाना है। लेकिन हक दबाने का मतलब ये है कि किसी की गिबत की होगी, किसी को जबान से तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी को हाथ से तकलीफ पहुंचाई होगी, किसी को हमारे अखलाक से हमारे किरदार से हमारी गुफ्तार से तकलीफ पहुंची होगी। ये सारे भी हुकूक कहलाते हैं कि सामने वाले बंदे को किसी भी तरह से हमने तकलीफ पहुंचाई, कयामत के दिन वो अपना हक लेने के लिए खड़ा हो जाए। तो कयामत के दिन नेकियां बहुत सारी लेकर आए हैं लेकिन लोगों के हुकूक भी दबाए। आने वाला एक शख्स कहेगा कि अल्लाह इसने मेरा फलाह हक दबाया है, मुझे हक दिला दिया। अल्लाह फरमाएंगे कि जाओ उसकी नमाजें ले जाओ। एक आएगा उसकी नमाजें लेकर चला जाएगा, दूसरा आएगा हक लेने के लिए वो उसके रोजे लेकर चला जाएगा, कोई आएगा उसके जिक्र अज़कार ले जाएगा, कोई तस्बीहात ले जाएगा। यके बाद दीगर सारे हुकूक लेने वाले अपना हक लेकर चले जाएंगे, फिर भी कुछ लोग बाकी रहे, नामे अमल नेकियों से खाली हो गए, जो लेकर आया था वो कर्ज में चला गया, लोगों का कर्ज था, लोगों के हुकूक दबाए थे, सारी नेकियां चली गई, फिर भी कुछ लोग खड़े हैं कि अल्लाह अभी हमारे हुकूक तो बाकी। अब अल्लाह फरमाएंगे कि इसके नामे अमाल में नेकियां तो है नहीं, अब हम इस तरह से दिलवाएंगे कि दूसरे जिन जिन लोगों के हुकूक बाकी है, अल्लाह फरमाएंगे कि उनके गुनाह इसके नामे अमाल में डाल दो। अब बदला इस तरह से दिलवाएंगे कि दूसरे के गुनाहों के बोझ को इसके नामे अमाल में ट्रांसफर कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते कि कयामत के दिन आएगा, बहुत सारी नेकियां बहुत सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन लोगों के हक मारने की वजह से उसके नामे अमाल में नेकियां तो नहीं होगी बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ लेकर हो जाएगा। ये उम्मत का हकीकी मुफलिस है, इसे मुफलिस कहते हैं। तो इसलिए नेकियां तो हमसे ज्यादा होती नहीं, नेकियां करने के लिए बड़े पापल बेलने पड़ते, नमाजें पढ़ने के लिए मेहनतें करनी पड़ती है, तब जाकर ये नेकियां हासिल होती है। और हम कितनी आसानी से उसको गंवा देते, जहां किसी की बुराई की जबान से दो पांच मिनट तो सारी नेकियां ट्रांसफर हो रही है। नेकियां देने के मामले में कंजूस करो, अपनी नेकियां किसी को मत दो,
किसी की हिम्मत मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी से हसद मत करो। दिल में जलसी होती है ना कि फलां आदमी इतना आगे क्यों चला गया, फलां आदमी ने इतनी तरक्की क्यों कर ली, उसका बिजनेस क्यों बढ़ गया, वो कारोबार में क्यों आगे निकल गया, उसकी तिजारतें क्यों आगे निकल गई। दिल में जलन होता है, इसे हसद कहते हैं। देखिए हदीस शरीफ में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला को सहाबी रसूल है, फरमाते एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मस्जिद नबवी में बैठे, मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान मुबारक से ये जुमला निकला, ये बात निकली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अभी इस तरफ से जो शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती है। अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बशारत, वो भी अल्लाह के नबी की जबान से। फरमाते हैं कि अभी इस तरफ से मस्जिद के अंदर जो शख्स दाखिल होंगे वो जन्नती है। सारे सहाबी की निगाह टिकी हुई है, नजरें जमी हुई है, ये गेट से कौन आता है। देखा कि थोड़ी देर में एक शख्स इस तरह से मस्जिद में दाखिल हुआ कि उनके चेहरे से वुजू का पानी टपक रहा था और उनके बाएं हाथ में जूतियां थी। मस्जिद में आए बैठे, रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला फरमाते मजलिस खत्म हुई। अब मेरे दिल में ये रश्क था कि मैं इस आदमी के आमाल देखूं, ये कौन से ऐसे आमाल करता है कि अल्लाह के नबी ने उसे जन्नती होने की बशारत दी। कहा कि मजलिस से निकलने के बाद मैं उन साहब के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर रास्ते में चलने के बाद मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं दो तीन रोज आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ, यानी आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ। वो साहबी उन्होंने इजाजत दे दी कि ठीक है, खुशी से। साहबा इकराम का मिजाज तो मेहमान नमाजी वाला था, उनके यहाँ मेहमानों का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई तकल्लुफात भी नहीं थे। हमें मेहमान बुलाने से पहले घर में होम मिनिस्टर की इजाजत लेनी पड़ती, सोचना पड़ता है, मशवरा करना पड़ता है, खर्चा कहाँ से आएगा। साहबा इकराम के यहाँ कोई तकल्लुफात नहीं, मेहमान बनना है आपको चलिए ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रात को उन्होंने मुझे आराम के लिए चारपाई लगा दी, मैं उस चारपाई पर लेट गया, लेकिन रात के वक्त मैं सोया नहीं, लेटा रहा, लेकिन जाग कर देखता रहा कि ये सहाबी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने जन्नती होने की बशारत दी है, उनके कौन से आमाल है जिस पर उनको जन्नती होने की बशारत दी। लेकिन मैंने देखा कि वो भी रात भर सोते रहे, तहज्जुद के लिए भी नहीं उठे, सुबह फजर की नमाज के लिए उठे, नमाज पढ़ी, अब दिन में भी उनके पीछे में लग गया, वो जहां जाते थे मैं भी साथ साथ, दिन भर में भी कोई खास अमल नहीं देखा, न कोई नफली इबादतें, न जिक्र अजकार, न तस्बीहात, न तहज्जुद। जब नमाज का वक्त होता मस्जिद में आकर नमाज पढ़ लेते थे। दो तीन रोज इस तरह से गुजरे। मैंने फिर उनसे कहा कि असल में मैं आपके यहाँ मेहमान इसलिए बना था कि अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है कि आप जन्नती हैं, तो मैं आपके आमाल देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बशारत मिली है। वो सहाबी कहने लगे कि बज़ाहिर तो ऐसा मेरा कोई खास अमल नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक अमल ऐसा है कि जिस पर मुझे उम्मीद है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह के रसूल ने मुझे जन्नती होने की बशारत। वो अमल ये है कि मेरा सीना हमेशा बेकीना होता है, मेरे सीने में कभी कीना नहीं होता है, कभी हसद नहीं होता है, कभी बुग्ज नहीं होता है, किसी भी मुसलमान से अदना सा हसद में नहीं करता, किसी मुसलमान से जर्रा बराबर कीना में नहीं रखता।
फरमाते हैं कि इस अमल की वजह से और इस अमल की बरकत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता है मुझे जन्नती होने की बशारत दी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान का सीना जब बेकीना होता है, हसद से, बुग्ज से, अदावतों से, नफरतों से खाली होता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नती होने का फैसला फरमा देते हैं। अब हमारे दिल में हसद आता है वो कैसे निकलेगा? उलमा ने उसका तरीका बताया, छोटी सी बात। फरमाते हैं कि जिस बंदे से हमें हसद हो, जिसके बारे में दिल में जलन हो, उसको निकालने का आसान तरीका ये है कि उसके बारे में दुआएं करो कि फला शख्स से मुझे हसद है, दुआ करो कि अल्लाह उसके माल में बरकत दे, उसकी जान में बरकत दे, उसके कारोबार में बरकत दे। दिल पर आ रहे चलेंगे लेकिन हसद की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, रूहानी बीमारियों से अल्लाह ताला हमें नजात अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।